Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pakistan and Assalamualaikum the whole world and of course very warm welcome back to all of you. दोस्तों जुनैद हसन मुश्ताक आपके साथ हाजिर खिदमत एक और दिन एक और एहसास एक और जज्बा एक और उम्मीद एक और दुआ आज भी सिर्फ और सिर्फ आप सबके नाम के अलावा अच्छा तमाम तर भलाइयों को आपके हम सब के हमेशा के लिए करीब तर कर दे और तमाम तर बुराइयों को आपसे हम सब से हमेशा के लिए ना सिर्फ दूर तर कर दे बल्कि किए भी रखे आमीन सुम्मा आमीन। सितारों के हवाले से आपसे गुफ्तगु जारी और सारी रहती है और आज भी लाइव हॉरोस्कोप पॉडकास्ट ओपन माइक हाजिर खिदमत और इसमें तरतीब यह है सबसे पहले आपके सितारे की पहचान बताएंगे उसके बाद जिक्र होगा कि तफसील से मुख्तलिफ शोबाह ज़ीत में क्या नुमाया रहेंगी चीज़ें लकी नंबर लकी कलर्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि ये तमाम शोबाजात जो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं या कर रहे हैं इनमें कितने फ़ीसद सिचुएशन जो है वो लकी और आपके हक में बेहतर नज़र आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुख्तसर पुरसर हमारा एक कमरी लिहाज से सेगमेंट होता है जिसमें हम आपको ये गुजारिशात करते हैं या करने की कोशिश करते हैं कि इन चंद हवालों से आप ख़ास तौर पर आज के दिन को लाइन अप कीजिएगा या फिर ये चंद बातें जहन में ज़रूर रखिएगा। आज की तारीख की अगर बात करते हैं दिन खूबसूरत सा जुमेरात का है और अगर बात करते हैं जी 8 सितंबर 2022 ईस्वी है और 11 हो चुकी है सफरुल मुज़फ़्फ़र की 1444 हिजरी है और अगर बात करते हैं पंजाबी हवाले से तो 24 हो चुकी है भादों की 2079 विक्रमी का साल जारी और सारी है। बड़ी मुश्किल से तवारीख याद किए और सही बता दिए फाइनली। एनीवेज ये रोज़ाना माहाना सालाना और हफ्तावार की हमारी आपके साथ गुफ्तगू होती है और ये तमाम रोज़ाना माहाना सालाना और हफ्तावार के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी जो हफ्ता चल रहा है 4 से 10 सितंबर का इसकी रीडिंग भी जो है वो आपको टॉप ऑफ द लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि ये हफ्ता कैसा गुजरेगा आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं ताकि आप हफ्ते के हवाले से और उसमें भी बड़ी कह लें कि जामे गुफ्तगू है हर सितारे के हवाले से जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके अलावा YouTube पे सुनते हुए सब्सक्राइब कीजिएगा अपनी राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में करते हैं। कम्युनिटी टैब पे आपसे गुफ्तगू जारी और सारी रहती है। ये कोई भी सिर्फ हॉरोस्कोप बेस्ड चैनल या ये डिस्कशन नहीं होती, ये एक कंप्लीट ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू होती है। आप हमें YouTube पे भी एक्सेस करते हैं, यहाँ पे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। आप हमारे साथ दीगर ज़राए से भी जो है वो रबते में रहते हैं और आपका बहुत शुक्रिया। सो बिस्मिल्लाह करते हैं पहले सितारे से। पहला सितारा जो है वो एज़ यूजुअल हमारा आज बुर्ज हमल है जिसको हम एरीज़ कहते हैं जी। एरियंस के लिए हमली ख़वातीन हज़रात सियारा मरीख होता है आपका 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान आप लोगों की तारीख़ पैदाइश होती है। रटी रटाई चीज़ें ये तो वैसे आज के दिन के हवाले से अगर जिस्मानी लिहाज से बात करते हैं तो सिचुएशन काफ़ी बेहतर है और अगर जो है वो आप मेहनत कर रहे हैं अपनी क्या हो सकता है हैयत को जिस्मानी हैयत को बेहतर बनाने के लिए तो माशाल्लाह ये कोशिशें कारगर साबित होंगी और प्रैक्टिकली आप फील कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना बड़ी बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं पेट कम करने के लिए या फिर और वज़न कम करने के लिए या वज़न ज़्यादा करने के लिए या कद लंबा करने के लिए और हमें फ़ील नहीं हो रहा होता कि इतनी मेहनत की है और नतीजा सिफर, लेकिन आज आप जो है आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ जो है ना वो टमी शमी कम हुई है। सो जहाँ तक बात करते हैं माली लिहाज से तो जॉइंट वेंचर्स या फिर ऐसे कोई भी अनऑथराइज्ड जो कह लें कि प्रपोजल्स हैं उन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत कीजिएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। गैर जो मोतबर कह लें कि स्कीमें होती हैं जिन जो गवर्नमेंट से ऑथराइज नहीं होती और उनमें डेफिनेटली पैसा डूबने का खदशा होता है, इस हवाले से एहतियात की ज़रूरत होगी। फैमिली फ्रेंड्स की बात करते हैं हो सकता है कि थोड़े से परेशान हालात जो हैं वो घर से फेस करने पड़ सकें या ऐसी कोई सिचुएशन हो तो अल्लाह पाक खैर करे। अगर मोहब्बत के हवाले से बात करते हैं तो वो तो सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। कारोबारी लिहाज से बात करते हैं तो जो एक मुसाबिकत का सिलसिला है जो एक वो कहते हैं कंपेटिटर के दरमियान जो सिलसिला चल रहा होता है इस हवाले से आपको नए मनसूबे और इनोवेटिव हिकमत अमली के जो कह लें कि सिलसिले हैं उन पर अमल करना चाहिए। कुछ सफ़र जो है वो भी करना पड़ सकता है कारोबार के लिहाज से, भी ऐसा जितना आरामदेह नहीं होता डेफिनेटली वो थोड़ा कभी कभी हो जाता है हेक्टिक, लेकिन कोई बात नहीं इससे आप रबते कायम करने में और मतलब काफ़ी कारोबार लिहाज से फ़ायदे इससे आपको हासिल होंगे। इस दवाज लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त रहेगा दिन। लकी नंबर 5 ग्रीन लकी कलर 80% से 40% दौलत 20% खानदानी मामला 100% मोहब्बत 100% अजदवाज तलुकात 80% कारोबारी मामला आदत नज़र आते हैं। और अगर मुख्तसर पुरसर आप लोगों को कहना चाहूँ तो यही कहूँगा कि आप लोग ऐसा कीजिए सदका ज़रूर देते रहें और अपने मामलात को सीधा रखें, इंशाल्लाह जो है वो आप मुश्किलात से बच जाएंगे अगर आप फेस कर रहे हैं स्पेशली जो घर के हवाले से कहा है। सूरत हाल थोड़ी सी आजमाइश कुन है लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सदका डिस्क्रिप्शन में लिंक लीजिए एरीज़ हॉरोस्कोप 2022।
टॉरस की बात कर लेते हैं जी, और टॉरस सॉरी खवातीन व हज़रात, देखिए आपका नाम लेके ये लगता है जैसे बंदा आपको सॉरी कर रहा है, माजरत कर रहा है। खैर, टॉरियंस आपके लिए सियारा जोर होता है, 21 अप्रैल से 20 मई के दरमियान आप लोगों की तारीख पैदाइश होती है। आप लोगों के हवाले से अगर बात करते हैं तो माशाल्लाह सेहत के हवाले से सिचुएशन अच्छी है, और आप भी जो है वो फील करेंगे कि आपने जो भी फिटनेस गोल रखा हुआ है आपको उसमें कामयाबी मिल रही है। जहाँ तक बात करते हैं इसके हवाले से माली लिहाज से, तो सिचुएशन अच्छी है। वो कहते हैं कि उठा लेना लियारी लाइए तो कदा ऊँचियाँ रखनिया पैनियाँ ने, सो इस तरह का कोई सिलसिला होगा। अगर आप जो है वो अपना सोशल सर्कल बड़ा रखना चाहते हैं तो फिर उन्हें ही पैसा जड़ा है वो भी लगना है थोड़ा, तो इस तरह की मतलब जो है वो अखराजात का रुझान रहता नज़र आता है। तो फराख्तली का मुजाहरा करने से भी जो है वो करीबी गैर ज़रूरी फ़ायदा उठा लेते हैं, और कंजूसी पे अलहदा से ताने मिलते हैं, तो फिर एहतमान रवि की ज़रूरत होगी। एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी, मोहब्बत के हवाले से लकी रहेंगे। कारोबार लिहाज से बात करते हैं तो नई क्लाइंट्स के साथ गुफ्तगू के हवाले से कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी रहेंगी, और आप अच्छा जो है वो दिन महसूस कर पाएंगे। जो सेमिनार्स वेबिनार्स एग्जीबिशन होती हैं जिनसे हम काफ़ी कुछ सीख पाते हैं, तो उनसे आपको भी जो है मुस्तफ़ीद होना चाहिए, इससे नए रवाबत वगैरह बनते हैं और बहुत कुछ हासिल होता है। अज़वाजी लिहाज से बात करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला, लेकिन नंबर 4 ब्राउन एंड ग्रे, लेकिन कलर 80% सेहत, 20% दौलत, 20% खानदानी मामला, 100% मोहब्बत, 100% कारोबार मामला, 100% अज़वाजी तालुका सादत नज़र आते हैं। आपको अपने मामला सीधे रखने हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुद आपको मसलहत पसंदी के साथ जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, लेकिन मसलहत पसंदी के साथ तो उल्टे काम भी इंशाल्लाह सीधे हो जाएंगे, और मामलात भी जो है वो ठीक हो जाएंगे। बस आपको पॉजिटिव रहना है, और बेस्ट ऑफ लक। जोजा की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा तीसरा सितारा है, बिना ताखीर सियारा तारा 21 मई से 20 जून के दरमियान आप लोगों की तारीख पैदाइश होती है। एनर्जेटिक रहेंगे आप, और वही बात जो मैं कहा करता हूँ कि अगर कोई भी काम करते हुए आपको 1 मिनट लगता है तो आज आधा मिनट लगेगा, यानी इतने आप एनर्जेटिक होंगे और पॉजिटिव रहेंगे, अच्छी बात है। जहाँ तक बात करते हैं फैमिली फ्रेंड्स की, घर के सिलसिलों की, तो बच्चे जो हैं वो तशावीश में मुब्तला होते नज़र आते हैं, तो उनको आपकी आपके साथ की आपकी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, तो उनके हवाले से एहतियात कीजिएगा। जिनकी मंगनी हो चुकी है ना, जो कहते हैं जी आप हमारी बात नहीं करते, हमारे जो क्या उसे कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, कुंवारे, वो हजरात जो हैं बैचलर्स, उनके लिए आज बड़ा अच्छा दिन होगा किसी भी वजह से, क्योंकि सब्र तो इनको आता नहीं है, तो रबते में ही रहते हैं, तो रबता जो है आज आपका आपके लिए खुशी का सबब होगा। अच्छा, कारोबार लिहाज से बात करते हैं तो इनोवेटिव आइडियाज़ या प्रोडक्टिव आइडियाज़ जो हैं बड़े ज़बरदस्त आपके जहन में आएंगे, और उनको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिएगा। अज़वाज लिहाज से बहुत अच्छा दिन है। लगी नंबर 2 सिल्वर एंड वाइट लकी कलर, 100% सेहत, 20% दौलत, 20% खानदानी मामला, 100% मोहब्बत, 100% कारोबार मामला, और 100% अज़वाज तालुका सादत नज़र आते हैं। और अगर मुख्तसर पूरा सर कहूँ तो नज़र बंद का सिलसिला अगर आप फील कर रहे हैं तो इस निकलने का भी आपको कुछ करना चाहिए, और ताकि अच्छे दिन जो हैं वो आप महसूस कर पाएँ। सो दूसरों के मामलों से दूर रहना है आपने, सदका ज़रूर देना है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। किसकी बात करूँ मैं, जेमिनी वालों की, तो जेमिनी होरोस्कोप 2022 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उससे एक्सेस कर सकते हैं। उसके आखिर में मैंने सदका तो वज़ाइफ बताए हैं, जवाहिर बताए हैं, पत्थर कौन सा पहनना है, किस दिन पहनना है, कौन सा सदका देना है, किस दिन देना है, ये तमाम जो है वो गले बातें हमने आपसे की हैं, आप उनसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर वही बात, और दूसरा क्या आपसे कहा है कि दूसरों के मामलों से दूर रहिए और महदूद रहिए, खुश रहिए। सरतान की बात करते हैं, अगला सितारा है जी हमारा मेरे ख्याल से ओके सियारा शांत होता है आपका, 21 जून से 20 जुलाई के दरमियान आप लोगों की तारीख पैदाइश होती है। सेहत माशाल्लाह से अगर बात करते हैं आपकी तो अच्छी रहेगी, लेकिन घर में किसी की भी सेहत के वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी हो, और लेकिन अच्छी चीज़ पता क्या होगी कि वो आपके साथ मसाइल शेयर करेंगे, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। सो इससे क्या होगा कि जब कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, जब गुफ्तगू जारी रहेगी तो एक दूसरे को समझने, एक दूसरे को मज़ीद जो है वो क्या उसे कहते हैं कि एक दूसरे का साथ देने और एक बॉन्डिंग का स्ट्रॉन्ग करने का मौका जो है वो मिलता है। एक तो वक्त निकालना चाहिए, और वक्त जब हो तो फिर कम्युनिकेशन का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। तो आपको बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक क्या उसे कहते हैं, बड़ा पोलाइट सा एक
अंदाज़ अपनाना है इस हवाले से। जहाँ तक फैमिली फ्रेंड की बात करते हैं, घर में बच्चे जो हैं माशाल्लाह बड़े पॉजिटिव वाइब्स के साथ आपको वेलकम करते नज़र आते हैं। जहाँ तक बात करते हैं मोहब्बत के हवाले से, तो थोड़ा सा आज गुफ्तगू जो है वो ज़रा खुल के होती नज़र आती है। और लेकिन ये है कि अगले की राय का एहतराम भी करना चाहिए और अपनी राय का एहतराम करवाना भी इंसान को आना चाहिए। जहाँ तक बात करें दोस्त अहबाब का सिलसिला भी आज की शाम भी बड़ी ज़बरदस्त, अगर कोई प्लान किए तो अच्छी हुई नज़र आती है। मोहब्बत के हवाले से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा होंगी और लकी तो मैं नहीं कह सकता रहेंगे, लेकिन खैर। जहाँ तक बात करते हैं कारोबारी लिहाज से, तो आपको आज अपनी ही गलतियों का जो है वो अजाला करने का और उनको समझने का मौका मिलता नज़र आता है। यानी कहाँ से आप गलती हो रही है ताकि आप जो मसाइल फेस कर रहे हैं उनको आप हल कर सकें। इस्तवाजी लिहाज से बात करते हैं तो कोई गैर मुतवक्के मेहमान ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से घर वालों का फोकस उनकी तरफ हो और आप ज़रा गैर इंपॉर्टेंट फील करें। एक तो मर्दांत ये नहीं समझ आती। लकी नंबर 6 पिंक लकी कलर, 60% से 80% होना, 100% गांधी में मिला, 40% मोहब्बत, 60% कारोबारी में मिला तो 40% इस्तवाजी ताल्लुक साथ देते नज़र आते हैं। और अगर मुख्तसर पूरा सर आप लोगों के लिए कहना चाहूँ तो ये कहूँगा कि अभी जो भी आपके हालात गुजर रहे हैं ना, आपको उन पर गहरी नज़र रखनी है और कोशिश ये करनी है कि हिकमत अमली से हर एक के साथ चला जाए और अपनी सिचुएशन को आपने समझना है ताकि आप अपनी साख जो है उसको बरकरार रख सकें। बेस्ट ऑफ लक। बढ़ते हैं जी अगले सितारे की जानिब और ये हमारा बुर्ज असद है, सियारा शम्स होता है लियो वालों। 21 जुलाई से 21 अगस्त के दरमियान आप लोगों की तारीख पैदाइश होती है। लियो वालों आप ज़रा ना पॉजिटिव रहा करें, मौज मस्ती में रहा करें, सेहत माशाल्लाह से अच्छी हो सकती है अगर आप कोशिश करें तो। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्सरसाइज या ट्रेनिंग वगैरह से आप काफ़ी महजूज होंगे और अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकेंगे। पैसे कमाने के हवाले से भी सिलसिला अच्छा है, आप में जज्बा भी पैदा होता नज़र आता है, मेहनत करने की लगन भी आप में पैदा होती नज़र आती है। लेकिन जहाँ तक फैमिली फ्रेंड्स की बात करते हैं, फिर वो जिनसे आपने एक्सपेक्टेशन लगा रखी हैं और जिनसे आपको अच्छी खासी टकोर हो चुकी है ना, कोई भी प्यारा हो सकता है भाई, वो लव पार्टनर भी हो सकता है, वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, तो उससे मज़ीद आपको मतनाज़ा मसाइल को डिस्कस करने से गुरेज करना चाहिए। क्योंकि इस टाइम हर किसी का कहाँ चिट्टा है तो फिर एक दूसरे का दिल ही टूटेगा और क्या होगा। यहाँ पे मोहब्बत के हवाले से दिन एटलीस्ट कुछ बेहतर है और कारोबार लिहाज से नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके हवाले से उनको चूज़ करते हैं और उनसे आप अपने जो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेहतर बनाते नज़र आते हैं। इस्तवाजी लिहाज से भी कुछ अच्छा ही है। लकी नंबर 4 ब्राउन एंड ग्रे लकी कलर, 100% या 100% दौलत, 40% कांदने में मिला, 80% मोहब्बत, 80% कारोबार में मिला और 80% इस्तवाजी ताल्लुक साथ देते नज़र आते हैं। और अगर मुख्तसर पूरा सर आप लोगों के लिए कहना चाहूँ तो ये कहूँगा कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना कीजिएगा और अपने मामला दूसरों के हाथों में भी ना जाने दीजिएगा। अगर कोई परेशानी तंग कर रही थी तो अच्छी खबर यह है कि उससे आप जो है वो निकल आएंगे और उसके हवाले से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मायूसियाँ हैं कुछ ज़िंदगी में, हो भी सकती हैं। और जिस तरह से मैंने एक बात कही थी कि सियारा या सितारे इनके इनफैक्ट इतने होते हैं, लेकिन इंसान की अपनी शख्सियत भी होती है जिसकी वजह से वो मिला जुला के कुछ जो है वो अच्छा खासा। एनीवे बात करते हैं जी अगला सितारा कौन सा है हमारा, बुर्ज सुंबला वर्गो सियारा तारा होता है। 22 अगस्त से 22 सितंबर के दरमियान आप लोगों की तारीख पैदाइश होती है। शेड्यूल जो है मसरूफ कौन होगा, लेकिन सेहत अच्छी रहेगी और बजट को ख़ास तौर पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। घर के हवाले से बात करते हैं तो मिलजुल के आपको काम करना चाहिए और घर में घर वालों का साथ देना चाहिए। मोहब्बत के हवाले से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता नज़र आता, कारोबार लिहाज से अच्छा दिन है और फ़ायदे नुकसान दोनों मतलब रिस्की काम होगा लेकिन अच्छा ही घुमा रखिएगा। इस्तवाजी लिहाज से बात करते हैं तो हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा भी होता नज़र आता है, लेकिन मोहब्बत से टैकल कीजिएगा। लेकिन नंबर 3 येलो लकी कलर, 100% से 60% और 60% का आमदनी मामला, 40% मोहब्बत, 100% कारोबार मामला, 40% इस्तवाजी ताल्लुक साथ देते नज़र आते हैं। और अगर मुख्तसर पूरा सर कहूँ तो सुबह से ही जो है सिचुएशन कुछ आपके हक में होगी और जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसके पूरा होने की उम्मीद है, रकम भी हाथ आती नज़र आती है। जिस तरह से मैंने कहा कि अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन है लेकिन आपके हक में ज़्यादा है रिस्की, रिस्क लेने भी चाहिए, रिस्क के बगैर चस नहीं आती ज़िंदगी की। और लेकिन ये है कि मर्द महजरात के लिए स्पेशली कह रहा हूँ या जो भी बिज़नेस वगैरह करते हैं ना, लेकिन सिचुएशन अच्छी है, अच्छा गुमान रखिएगा अल्लाह बादशाह से तो अल्लाह बादशाह अच्छा बल्कि बेहतर से बेहतरीन अता करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेशक।
यूट्यूब से तो सब्सक्राइब कीजिएगा, यहीं से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।